Cause I just wanna go, go, go to the deep end. Hello दोस्तों, टेक्नोरोविज में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज में। हर संडे आते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं और आप लोग भी खूब सारे सवाल करते हैं, ढेर सारा प्यार भी देते हैं। पिछले वाले सेशन पर भी खूब सारे लाइक्स आए, आज भी वैसे ही करना। दोस्तों आप हाल देख रहे हैं, मेरा बाल भी देख रहे हैं, बनाने का टाइम नहीं है बाल। क्यों आपको पता है? क्योंकि इतना बिजी हम लोग, इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने वीडियोस, कहाँ कौन से कब करना है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और अगला हफ्ता तो और भी खतरनाक होने वाला है, पर रूम भर चुका है, यहाँ चलने की जगह नहीं हो रही है। ये हाल हो चुका है हमारा, तीन तीन चार चार वीडियोस ये एडिट कर रहा है, थोड़े वीडियोस मैं एडिट कर रहा हूँ, हाल बेहाल है। और बिग अनाउंसमेंट की मैं अभी बात कर लेता हूँ, टाइम वेस्ट करने से बेटर रहेगा अभी बोल दूँ कि हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपको बताया बहुत ही जल्दी होने वाले इंशाल्लाह। और अगर इस महीने नहीं दिसंबर की एंड तक, मेरे बर्थडे के आसपास या दिसंबर की एंड तक भी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते अगर आप सपोर्ट करते तो मैं बहुत ही बड़ा गिव अवे करने वाला हूँ, मेगा गिव अवे समझ लीजिए, जहाँ पर 3 प्रीमियम डिवाइसेस होंगे, आईफोन 12, मोटो रेजर 5G जो फोल्डेबल फोन है वो, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा 5G, ये तीन मेजर प्राइस होगी, ऊपर टॉप 3 में होंगे। और उसके बाद 17 अलग और प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें ईयरफोन्स, दूसरे फोन्स, गैजेट्स, क्या पता मैं टीवी भी दे दूँ मतलब बहुत सारी चीज़ होगी दोस्तों। अगर हम दिसंबर के एंड तक 3 मिलियन सब्सक्राइबर पर पहुँचते तो ये थोड़ा आपसे मांगा हो, अगर आप कर लेते तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए रहेगा। बहुत बकबक कर दिया मैंने, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हो, पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल आ रहा है अहमद से, रुएस भाई प्लीज बेस्ट कैमरा भी दब गई ये हालत खराब है इसकी, बोलो बोलो। रुएस भाई प्लीज बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन 140,000 बता दो, एप्पल के अलावा बताना, मैं इस साल में लूंगा फ्लिपकार्ट या अमेजोन में। एप्पल का देखिए दोस्त, एप्पल के अलावा मेरे ख्याल से हाल ही में आपके 10,000 भी बचा लेता हूं मैं। चलो 30,000 के अंदर गूगल पिक्सल 4a आया है, 6128 सिंगल कैमरा, लेकिन वो गूगल है, जबरदस्त क्वालिटी फ्लैगशिप लेवल कैमरा समझ लीजिए। तो अगर आपको सिर्फ कैमरा चाहिए, 40,000 के नीचे बजट है, मैं सिर्फ गूगल वाला ही फोन आपको रेकमेंड करता हूँ, पिक्सल 4a, उसको फ्लिपकार्ट से जाके उठा लेना। अगला सवाल आ रहा है टेक वन से, इस पोको X3 टू मच हैवी? पोको X3 टू मच हैवी नहीं, वो एक जाड़ा सा फोन था, वो यही है क्या जोक मारा इसलिए यार, हाँ इट इज हैवी है, दूसरे फोन से कंपेयर कर लो तो वो ऐसा ना एकदम ऐसा बल्कि गेमिंग फोन जैसा फील होता है, जैसे ASUS ROG फोन तो उससे भी ज्यादा हैवी है बल्कि देखा जाए तो, ऐसा फील होता है। लेकिन फोन अच्छा है, फोन में प्रॉब्लम नहीं, बस वही एक चीज है कि इतना चौड़ा है और बल्कि है। बाकी अगर आप इसको कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो फिर तो आपके लिए तो बढ़िया फोन है भाई। अगला सवाल आ रहा है अभिषेक त्रिपाठी से, मिर्जापुर सीजन 2 के बारे में। त्रिपाठी खानदान से हो क्या? अरे अरे अरे, मुझे इसका एक डायलॉग याद आ रहा है, हमें बदला भी चाहिए, मिर्जापुर भी चाहिए, वैसी टेक्नो रुएस भी चाहिए और रुएस अमरेलिया भी चाहिए। बड़े अगला सवाल आ रहा है आदित्य से, Is me beard trimmer is best under 1400 rupees or any other? Please tell me. देखिए मी ट्रिमर जो है, मी बियर्ड ट्रिमर बेस्ट टू बाय इन बीबीडी, मेरे डैडी यूज कर रहे हैं तो उनका फीडबैक है, तो मतलब अभी तक कुछ नेगेटिव नहीं आया है, अभी तक तो कुछ नहीं आया है नेगेटिव। मेरे डैडी कैसा नवाज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ लेगा ना, ये क्या दे दिया तूने उठा के, क्या क्या ये तू क्या कुछ भी देता है यार, क्या ये वापस लेके चल चल चल। अभी तक कुछ कंप्लेंट, मैंने कोई एक अननोन ब्रांड थी, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, मैंने कुछ ईयरफोन दे दिया था तो वायरलेस ईयरफोन्स थे, तो डैडी ने मेरे पास मेरे को ऐसा लाके दिए, ये क्या दिया, मैंने बोला वो था ना तुमको ईयरफोन चाहिए, ये सब मेरे को जमता नहीं, मजा नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने दूसरा वायर्ड ईयरफोन दिया। तो ट्रिमर दिया था, मेरे डैडी ने खुद देख के लेके गए थे, मेरे को ये ठीक लगता है, मेरे को दिखा एक बार, अभी तक चल रहा है चुपचाप एकदम, कुछ नहीं बोल रहे, तो मेरे ख्याल से आपके लिए सही रहेगा बियर्ड ट्रिमर, वो ले लीजिए। अगला सवाल आ रहा है प्रशांत से, विच इज द बेस्ट माइक फॉर रिकॉर्डिंग यूट्यूब वीडियोस फॉर न्यू यूट्यूबर अंडर 2000 रुपीस? देखिए मैं दोस्त, टिप्स एंड ट्रिक्स, अच्छा मैं बोया वाला माइक यूज करता हूँ और बहुत पहले से करता था, तो आपको मैं यही रेकमेंड करता हूँ, अगर आप न्यू क्रिएटर है तो कन्वीनियंट है, अच्छा है, ईजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, 3.5 है लगा दो और वो फोन में भी चलता है, कैमरे में भी चलता है, दोनों में चलता है, अराउंड 2000 या उसके नीचे आपको मिल जाता है तो सही रहेगा। और टिप्स एंड ट्रिक्स तो क्या दो दोस्त, बस मेहनत करते रहिए, कुछ नया करिए, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, हिम्मत मत हारिए बस, और भरोसा रखिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगला सवाल आ रहा है जय मोतवानी से, ओहो आप कौन सा स्मार्टफोन रेगुलर यूज करते हो यानी परमानेंट डिवाइस? देखिए हम टेक यूट्यूबर है, हमारा कोई परमानेंट डिवाइस नहीं होता, लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए मेरे पास ओप्पो फाइंड X2 प्रो, हाँ प्रो वाला है, इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मैं सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, हम खुद परचेस करेंगे, खुद ट्राई करेंगे, मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है उस फोन में, तो शायद, या क्या पता आईफोन 12 अगर दिल को भाग गया तो हम वो ले लेंगे, वेट कर रहे लॉन्च का, फिर देखते हैं।
अगला सवाल आ रहा है हरिदेव से, लव फ्रॉम केरला। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कैन वी सी द एसलेट टेक्नोलॉजी इन स्मार्टफोन ऑल्सो, जैसे रियलमी एसलेट टीवी जो है उसकी मिल सकता है? हो सकता है नहीं भाई, वो लोग कुछ भी एक्सपर्ट देते हैं, कहीं पर भी लेके आ जाए उनकी मर्जी है, को डेवलप है, कुछ भी कर सकते हैं, पर अच्छे अच्छे डिस्प्ले, कलर्स वगैरह पंची थोड़े से बोल सकता हूँ, देखते फोन में आता हूँ, मजा आएगा। अगला सवाल आ रहा है कृणाल से, अंडर 4000 वन ऑफ द बेस्ट टीडब्ल्यू एक्सपर्ट्स। देखिए मैं आपको बोलूंगा बहुत सारे यार ऐसा तो मार्केट में, लेकिन अभी हाल ही में रियलमी का बर्ड्स एयर प्रो सेल पर 4500 में मिलेगा, 500 बढ़ा दीजिए ले लीजिए, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन है, बढ़िया है, प्रीमियम फीचर है, अच्छी क्वालिटी है, मैंने यूज किया, ऑडियो भी कमाल है, तो OnePlus का भी अच्छा ही है, OnePlus भी, हाँ, OnePlus 5000 समथिंग, लेकिन अच्छी क्वालिटी है, OnePlus भी अच्छा है, वो भी आप ले सकते हैं। अगला सवाल आ रहा है शिरिन से, हाँ जी, 15000 बेस्ट फोन फॉर ऑनलाइन क्लासेस सर। ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो देखिए बहुत सारे फोन अच्छे अच्छे, रियलमी 7 है, नार्जो, सैमसंग M31 Pro, सैमसंग के भी है, फिर मेरे का, मैं बोलता हूँ एक काम करिए ना आप, रियलमी नार्जो 20 मोटोरोला वन फ्यूजन, फास्ट चार्ज भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम अगर लगता है आपको ऑनलाइन में हो गया, बैटरी उतर रही तो फास्ट चार्ज भी कर सकते हैं आप, तो आपके लिए सही रहेगा। अगला सवाल आ रहा है हर्ष से, लव फ्रॉम रायबरेली उत्तर प्रदेश। क्या बात है, आपकी रुएस चैनल पे सारे प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग कभी आ रही है? रुएस चैनल पर अभी हम एक्टिव हो रहे हैं और बहुत सारे और भी प्रोडक्ट डाल रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, व्यूज भी है, लाइक्स भी चैनल के सब्सक्राइबर के हिसाब से, तो मुझे मैं करूंगा दोस्तों, ये थोड़ा दिवाली वाला सीन थोड़ा हट जाए, बहुत बिजी प्रोडक्ट्स बहुत पड़े, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकाल के हम करेंगे, और उस पर अभी धीरे धीरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे ना, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना। अगला सवाल आ रहा है VSN टेक से, मेक अ व्लॉग ऑन योर डे इन लाइफ। अच्छा आइडिया दोस्त, न्यू चैनल पर डालेंगे, सुबह से लेकर रात तक हम क्या करते हैं, बहुत सही आइडिया दिया, उसका वीडियो आपको न्यू चैनल पर मिल जाएगा। अगला सवाल आ रहा है भट्ट से, Which is best camera phone? Realme 7 versus Poco M2 Pro versus Samsung Galaxy F41. अच्छा Galaxy F41 भी है, तो I think देखिए Samsung वाला ये जो फोन है ऐसा कैमरा मुझे अच्छा लगा है, Samsung के कैमरे लेकिन अच्छे, इनका एक चीज मुझे अच्छा लगता है Samsung के फोन्स में, प्रोसेसिंग अच्छी होती है इनकी, कभी कभी Realme 7 सेल्फी में मार खा जाएगा, Poco M2 Pro में भी मार खा जाएगा, लेकिन सेल्फी में भी उन लोग अच्छा काम करते हैं, शार्पनेस होती है और डायनेमिक रेंज भी ठीक होता है, तो आई थिंक मैं कैमरे की बात करूं तो F41 मुझे सही लगता है। अगला सवाल आ रहा है मीर राजू से, OnePlus 8 Pro एंड OnePlus 8T में कौन सा फोन लेना चाहिए? OnePlus 8 Pro प्रीमियम प्राइस का एक ऐसा है कि प्लीज पिक माय क्वेश्चन, 3 इयर्स से मैं कंटिन्यू क्वेश्चन पूछता हूं। अरे देखो आप तो धन्य हो गए दोस्त, मेरे ख्याल से OnePlus 8 Pro तो अच्छा ही होगा, ऑब्वियसली OnePlus 8T से अगर हम कंपेयर करते हैं, लेकिन प्राइस भी अच्छी है बहुत, OnePlus 8T अगर 50,000 के नीचे 45,000 के रेंज में, मे बी OnePlus 8 के ही प्राइस के आसपास अगर आ जाता है, 40 से 45 के आसपास हो सकता है, तो फिर वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, अच्छा फ़ोन है, मैं देख रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है, सही रहेगा, तो वेट करिए देखते क्या होता है। अगला सवाल आ रहा है विनय से, भाई क्या फ्लिपकार्ट सेल में K20 Pro लेना सही रहेगा या M51? फ्लिपकार्ट मैं बताऊँ यार पुराना हो गया यार, M51 अच्छा है, M51 ले लो अच्छा है आपके लिए, सॉफ्टवेयर भी अच्छा है, एक्सपीरियंस मिलेगा, नॉन चाइनीज भी है, तो आई थिंक सैमसंग है, M51 अच्छा फोन है, ओवरऑल कैमरा भी कमाल है, तो आप वही ट्राई करो। अगला सवाल आ रहा है अल्ताफ आलम खान से, Realme X7 सीरीज इंडिया में कब तक आएगा? माधव शेठ जी ने एक बार बोला तो था कि हम लेके आएंगे अगर जनता चाहती है, लेकिन वो लाने वाले हैं इसलिए ऐसी बोलते हैं, तो मतलब बहुत जल्दी हमें Realme X7 सीरीज देखने को मिलेंगे इंडिया में, शायद ना मुझे ऐसा लगता है दिसंबर तक हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं Realme X7, X7 Pro दोनों Dimensity वाले प्रोसेसर्स इंडिया के अंदर डेब्यू करते हैं, क्या पता। अगला सवाल आ रहा है अनुपम से, सर Realme UI 2 का डिटेल वीडियो कब आएगा? अर्ली दोस्त मेरे ख्याल से शायद लेट हो सकता है, अगर कलर OS 11 वाला वीडियो मेरा आप देखेंगे, मैं अभी डालूंगा थोड़े दिन में, तो बस पकड़ लो वही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, नाम वाम में फर्क होगा, बाकी तो समझ लीजिए ज्यादा कोई खास फर्क नहीं होगा, तो थोड़ा अंदाजा लगा लेना उस वीडियो को देखो तो आपको समझ जाएगा। अगला सवाल आ रहा है आदित्य से, Hi Ruiz bhai, my question is in 2020, is it still worth to buy LG ThinQ dual screen at price rupees? 20,000 में मिलता है तो बुरा ले लो, मैं सब बताऊं उसके ऊपर अगर चला जाता है 30-40-35 तो फिर मत लो, उसके अलावा बहुत सारे ठीक है, 20,000 की रेंज में आई थिंक मैं बोलता हूँ अच्छा, डुअल डिस्प्ले ओलेड
फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855, बैटरी थोड़ी वीक है, दो डिस्प्ले लगते रहा, सिंगल यूज करो प्रॉब्लम नहीं, मैंने किया हूँ, दूसरा डिस्प्ले ऑन करके यूज करने जाओ तो थोड़ा इश्यू होता है, ऑब्वियसली होगा भी, बैटरी कम है, तो 20,000 के अगर मिलता है भाई ये सेल पे तो ये लफड़ा है ना, ये लोग बस ऐसे गेमिंग होता है लेकिन हाथ में बहुत कम लोगों के आता है, तो फिर तो अच्छा है, बुरा नहीं। अगला सवाल आ रहा है सोम तंबोली से, इनके दो सवाल है, विच प्रोसेसर इज बेटर फॉर गेमिंग, G95 वर्सेस स्नैपड्रैगन 720G? G95 गेमिंग के हिसाब से ऑब्वियसली थोड़ा पावरफुल है, लेकिन 720GB कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है, दोनों अच्छे हैं लेकिन इन दोनों में से G95 आपको थोड़ा बेटर मिलता है। अब बेस्ट फोन अंडर 15,000 फॉर गेमिंग, तो फिर यही ले लो Realme 7, 15,000 में गेमिंग के लिए सही रहेगा। अगला सवाल आ रहा है हारून से, iPhone 12 सीरीज का कोई फोन यूज करेगा या नहीं? मैं यूज करेगा या कौन करेगा? कौन यूज, हाँ वही ना, कोई फोन यूज करेगा कि नहीं? हो सकता है, क्यों नहीं, देखो अगर हम गेमर की प्लानिंग कर रहे हैं तो मे बी मैं लूंगा, और जब दिल को बहा गया ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, ठीक है, मानते हैं एप्पल होते करके खुद यूज करेगा नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आईफोन 12 करेंगे, क्यों नहीं ट्राई करेंगे, करेंगे सर, इस बार तो करेंगे, मैंने सोचा था 2020 में करेंगे। अगला सवाल आ रहा है फ्रैग ऑफ गेमिंग से, माय बजट इज 30,000, आई एम कंफ्यूज बिटवीन आईपैड 8 जनरेशन एंड अंडर 30,000 लैपटॉप फॉर माय यूट्यूब। आईपैड 8 30,000 के नीचे किसके लिए चाहिए इनको? वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग मुश्किल है, 30,000 के नीचे इतने कोई तगड़े लैपटॉप नहीं जिसमें आप एडिटिंग कर सको, फिर उसके लिए 50 के ऊपर ही जाओ, अच्छे वाले मिलते हैं, लेकिन आई थिंक आईपैड में कर लो, आईपैड 8 में फिर सॉफ्टवेयर वगैरह लगा के, तो फिर सही रहेगा आपके लिए, बढ़िया रहेगा। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, हमारा जवाब, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएंगी, पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, कल मंडे से तैयार रहो, धड़ाधड़ वीडियोस मिलने वाली है, गिव अवेस होगा, बहुत कुछ होगा, सब्सक्राइब भी कर लेना, और गिव अवे के लिए वो टारगेट अपने दिमाग से बिल्कुल मत निकालना, बहुत सारी चीजें हम करेंगे, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।